आगे मेरा खड़वा क्रॉप जीडीआरपी सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नकटियागंज। टुडेज माय क्लास इज थर्ड ए एंड बी टॉपिक वर्ड्स फॉर नाउन एंड क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड्स यूज फॉर नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। इसका अर्थ हुआ संज्ञा के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम करते हैं। एग्जाम्पल में नीरज इज ए बॉय, नीरज एक लड़का है। यहाँ नीरज नाउन है इसलिए यहाँ नीरज के लिए हमने सेकंड सेंटेंस में ही इज ए स्टूडेंट लिखा है। यहाँ पर ही प्रोनाउन है, नीरज बॉय है और वह नाउन है उसके लिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया, ये प्रोनाउन है। अर्चना इज ए गर्ल, अर्चना एक लड़की है। अर्चना यहाँ पे नाउन है इसलिए अर्चना का अर्चना के स्थान पर यहाँ पे सी लगाए, सी इज टॉल, वह लंबी है, यहाँ सी भी प्रोनाउन हो गया। दिस इज ए टेबल, यह एक मेज है, यहाँ मेज नाउन है। नाउन के लिए जो शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ वो इट है, इट इज वेरी बिग, यहाँ पे इट प्रोनाउन हो गया। बॉयज आर देयर, यहाँ पे बॉयज नाउन है, बॉयज के लिए प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे दे किए, दे आर लाफिंग, यहाँ पे दे प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में यह जाना कि नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और टीवी फीचर्स का मतलब हुआ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, अगर उस संडेस में रहे तो हम उसके लिए इट और इट्स का यूज करते हैं। आई मी माई माइन यू योर दे डियर डियर्स एंड देम आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों रहेंगे तो हम इन सभी प्रोनाउंस का यूज करते हैं। होमवर्क में है राइट एनी 10 प्रोनाउंस, कोई भी 10 प्रोनाउन को लिखना है होमवर्क में और ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।